छाओ प्रस्तुत करती है एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, विषय हिंदी, कक्षा 9, कृतिका। नमस्कार, मैं हूं हेमंत रायपुरिया, इस ऑडियो बुक में आपका साथी। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ एक, इस जल प्रलय में। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वो तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहां जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता, आचार्य, कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनवर गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते, धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं, लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पे आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है, विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है, मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हां मैं बहुत कायर और डरपोक हूं। रिक्शे वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला,
ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद, अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थीं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शनै शनै पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बुझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थीं। मुझे लगा अब हम यहां थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटी की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है, इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी बामाल वगैरह वगैरह। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी बांग्ला के अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई चार बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ियां यहां पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है
जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटाते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठाता है, सुन मेरे बंदूरे, सुन मोरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर रूटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि एक या दो दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर रूटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधम के। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। मेरे प्यारे नन्हे साथी, मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथ निभाऊंगा 12वीं क्लास तक लगातार इन्हीं ऑडियो बुक्स के माध्यम से। ये ऑडियो बुक्स पेश कर रही है छांव संस्था। छांव सन 2002 से शिक्षा और जागरूकता पर काम कर रही है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए छांव सदा कामना करती है। आपका प्यार सदा बना रहे। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर से कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूं। हां, पीर मुहानी या सालिमपुरा एहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं। कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला। मनिहारी के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहां पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है। पकाही घाव की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे बापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा।
परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी यानी मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था, यानी वो धानी है। घरनी यानी वो धानी, घरनी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़गिड़ धागिड़गिड़ चकई के चकदुम चकई के चकदुम चकदुम चकदुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी, आप कहां हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। ये एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर करने निकले, यानी जलविहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों सीटियों फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत चूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, का हो राम सिंगार पनिया आ रहे लो है ना आ रहे लो है। ढाई बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है, चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्रीकृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम।
कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों का झुंड, झुंड। किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूं, मूंदता हूं, काले को उजला करना चाहता हूं, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, उजले भेड़, उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले, उजले गेहूं रंग के भेड़। ओए देखो असे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पनिया आ गए लो, हो राम सिंगार, ओ महान रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कल कल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गए लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूं, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वो चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वो भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे प्यारे साथी, बाढ़ हो, तूफान हो, सुनामी हो, भूकंप हो या कोई कोरोना जैसी महामारी, प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सका।
जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया है उसमें इतना दम भी है कि वह हमें पूरी तरह से खत्म कर दे। इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि हम कितने दिन जिएंगे? फर्क तो इससे पड़ता है कि हम जितने दिन जिएंगे कैसे जिएंगे। खुशी से, ईमानदारी से, लोगों की सहायता करके, लोगों का प्यार पाके, क्योंकि असली खुशी तो इसी में है ना। लालच, झूठ, कपट, नफरत, दंगे, ये सब करके क्या फायदा? जब पैदा हुए थे तो खाली हाथ पैदा हुए थे, और जब मरेंगे तो भी खाली हाथ ही मरेंगे, कुछ लेकर नहीं जा पाएंगे। तभी लेखक ने कहा था, अच्छा ही है, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं आपकी बेहतर और खुशहाल जिंदगी की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं NCERT ऑडियो बुक विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वहां घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आगे के चैप्टर्स के लिए इस वीडियो के किनारे पर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और आगे के चैप्टर्स देखिए। मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।